बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। तो फिर ये उनको कौन देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनखरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को, कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उनके खुद उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे, किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। एक दाख का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था।